हेलो एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 56th पार्ट है और 55th पार्ट का पहले हम आंसर करेंगे 55वें पार्ट का। तो पहले सवाल का जवाब है कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, और दूसरा का उत्तर है गुजरात, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में, और तीसरा है तीसरा का उत्तर है प्रधानमंत्री जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और चौथे प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। पांचवा प्रश्न है सीएएस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एक सीएडी होता है, सीएएस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सीएडी होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम सीएएस को कहते हैं। और छठा प्रश्न है लोनावाला महाराष्ट्र सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है लोनावाला महाराष्ट्र में, और सातवें प्रश्न का उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा वाटर पार्क भी मुंबई में है। आठवें प्रश्न का उत्तर कैल्शियम ऑक्सेलेट, जो पथरी होती है जो पेट में हो जाती है पथरी, वो कैल्शियम ऑक्सेलेट होती है। नवे प्रश्न का होता है इंसीजर, हाथी का जो आगे का दांत होता है वो इंसीजर होता है। और दसवें प्रश्न का उत्तर है नीडोलॉजी, घोंसलों का अध्ययन है चिड़िया के, और चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, या पहले पढ़ चुके हैं तो नीडोलॉजी और नीथोलॉजी है स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, और दूसरा प्रश्न नारे से संबंधित है वचन पूर्ण स्वराज किसने कहा था, और उत्तर करते रहिए। तीसरा प्रश्न वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, और चौथा प्रश्न मारो फिरंगी को किसने कहा, और पांचवा प्रश्न संपूर्ण क्रांति की बात किसने की। छठा प्रश्न तुम मुझे खून दो मैं तुझे तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है, और सातवां प्रश्न हुलीफ इफ इंडिया डाइस ये किसका कथन है। और आठवां प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक के सामने क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध का प्रयोग किसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और दसवां प्रश्न है रहला किसकी पुस्तक है रहला। तो इन सवालों का आप जवाब कीजिए, और जानते ही हैं आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए वो भी उत्तर करें आपकी तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उन्हें बताइए किस तरह का प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, अच्छा चल रहा है आप लोगों का प्रोग्राम।